नमस्कार, रसोई अड्डे में सभी दर्शकों को स्वागत है। हम आज बना रहे हैं नए तरीके से पनीर सब्जी। आपने मटर पनीर खाए होंगे, शाही पनीर खाए होंगे और कढ़ाई पनीर भी खाए होंगे। इसी तरह इसी मेथड में एक बार बना के ज़रूर खाइएगा, अच्छा लगेगा। और मेरा ये वीडियो अगर पसंद आए तो, ज़रा सा भी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा प्लीज़, थैंक यू। चलिए आगे की प्रोसेस तैयार करते हैं। मैंने 1 इंच का अदरक टुकड़ा ले लिया और थोड़ी सी 8-10 कलियाँ रसून, लहसुन भी बोलते हैं, लहसुन भी बोलते हैं। और थोड़ा सा मैंने ड्राई मसाला ले लिया, मोटी इलायची डालेंगे, छोटी इलायची और जायफल थोड़ा सा, 2 टुकड़ा सिनेमन मतलब दालचीनी का, 4 टमाटर, 6 प्याज। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने प्याज को इसी तरह काट लिया, 5 प्याज को। पहले अदरक लहसुन भून लेते हैं। अदरक लहसुन मैंने ब्राउन सा करके भून लिया है। अब बारी है प्याज की। प्याज भी इसी तरह एकदम ब्राउन करके भून लेंगे, जैसे बिरयानी का प्याज नहीं बनाते हैं वैसे। और एकदम हाई फ्लेम में प्याज को भूनना चाहिए, नहीं तो प्याज बहुत पानी छोड़ता है। और लगातार चलाते जाइए ऐसे, ताकि बराबर सी प्याज भून जाए चारों तरफ से। चलिए हम बातों बातों में प्याज भी ब्राउन सा करके एकदम भून लिया है, जैसे बिरयानी में डालते हैं इसी तरह तो फ्राई करके डालते हैं। मैं फ्लेम को ऑफ कर देती हूँ और प्याज को छान करके ठंडा कर लेंगे और इसको पीस लेंगे। मिक्सी जार में डाल के अदरक लहसुन, चलिए मैंने खड़े मसाला जो था ड्राई मसाला, इसको थोड़ा सा दरदरा से कूट लिया है। और वही जो ऑयल बचा था, वही वाला ऑयल मैंने इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो घी में भी, देसी घी में भी बना सकते हैं, लेकिन ये जो ऑयल है गरम ज़्यादा नहीं किया। ज़्यादा गरम करके खड़े मसाला डालेंगे तो फट से जल जाएगा। और धीरे धीरे इसको थोड़ा सा पकाना है तो इसका अच्छा खुशबू आने लगेगा। तब हम टमाटर प्यूरी बना लिया, कच्चे टमाटर इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहे तो भून सकते हैं। और प्याज को, अदरक लहसुन को मैंने बारीक पीस लिया है। तो हम पहले डालेंगे दीगी मिर्ची, कलर के लिए भी, और ज़्यादा अगर मिर्ची स्पाइसी ज़्यादा चाहिए आपको तो मिर्ची घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं आप। तो 1 चम्मच करीब मैं डालूंगी इसमें मिर्ची पाउडर। इसमें अच्छा सुनहरा कलर आ जाएगा एकदम। थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल रही हूँ, ज़्यादा नहीं डालना है। और धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर कुछ भी यूज नहीं करेंगे। हाँ, अगर पनीर का मसाला है तो आप थोड़ा सा यूज कर सकते हैं, नहीं तो एकदम सिंपल तरीके से बनाइएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा खाने में। और कच्चे टमाटर हमने प्यूरी बना लिया था मिक्सी में, तो इन्हें 5 मिनट के लिए अभी पकाएंगे। फिर हम जो प्याज अदरक लहसुन पीस लिया भून करके, उनको ऐड करेंगे इनमें। तो अभी मीडियम फ्लेम में इन्हें भूनते हैं 5 मिनट के लिए। बातों बातों में हम 5 मिनट हो गया है टमाटर भूनते हुए। ये देखिए कलर भी आ गया और अच्छी तरह एकदम स्ट्रक्चर भी बहुत ही अच्छा आया है। अब हम ऐड करेंगे भुना हुआ प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट बना लिया था, तो इन्हें भी ज़्यादा देर तक भूनने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने डीप फ्राई कर लिया था। तो इन्हें भी 5
मिनट बहुत काफ़ी है। इन्हें भी अभी भून लेते हैं मीडियम फ्लेम में। और हम ऐड करेंगे इनमें नमक। नमक में थोड़ा बाद में डालती हूँ, कभी कभी फास्ट भी डाल देती हूँ। और थोड़ा सा पनीर का मसाला, कोई भी आप पनीर का मसाला पसंद नहीं करते हैं तो गरम मसाला भी डाल सकते हैं। गरम मसाला वैसे तो हमने दरदरा सा करके कूट के खड़े मसाला बहुत सारे डाला है। अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा प्लीज़। और साइड में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नई नई रेसिपी आपको मिलते जाए, आप बनाते जाएँ सब्जियाँ। चलिए थैंक यू। मसाला हमारा भून चुका है एकदम बढ़िया सा, देख सकते हैं ऑयल भी एकदम रिलीज हो गया है साइड में से। हम अभी इनमें डालेंगे दो तीन कट कर लिया हरी मिर्ची, थोड़ा सा कसूरी मेथी और छोटे छोटे पनीर क्यूब्स कर लिया। आप जैसे समझ में आए आपको अब इसी तरह से डालिएगा। और कच्चा पनीर मैंने इस्तेमाल किया है, आपको चाहिए तो थोड़ा सा सॉटे करके डाल सकते हैं, लेकिन कच्चा पनीर डालने से थोड़ा सॉफ्ट रहता है, अच्छा लगता है। और ग्रेवी आप जितना चाहते हैं उसी हिसाब से आप डाल सकते हैं। मैंने मसाला जो धो लिया था जार, मतलब मिक्सी का जार को थोड़ा सा क्लीन करके वही वाली पानी इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ। और इससे ज़्यादा नहीं चाहिए मेरे को ग्रेवी। दो चार मिनट उबालने देते हैं। सब्ज़ी एकदम तैयार है, हम फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। और एक छोटी स्पून हम डाल रहे हैं देसी घी का, इसमें अच्छा स्वाद भी आएगा और अच्छा लगेगा देखने में भी। देखिए लग रहा है ना होटल जैसा हमारा पनीर मसाला की सब्ज़ी, आप ज़रूर बनाइएगा एक बार और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा प्लीज़।